आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे हमारे कई सारे व्यूअर्स का यह कमेंट आ रहा था, खासकर दो तीन लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि सर मुझे जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जो बेसिक या इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है कम से कम वो टॉपिक आप हमें करवा दीजिए ताकि एग्ज़ाम में हम कुछ स्कोर कर सके। तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को बीटेक सेवन सेमेस्टर में तो आपको पढ़ना ही है, तो बीटेक सेवन सेमेस्टर में ये आपका एज ए इलेक्टिव पेपर है। कैसा है? इलेक्टिव पेपर है। तो हमारे पास जो है जो बिहार पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का नोट्स था उससे मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको इसमें ना हो, बट जो भी डिप्लोमा में थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने थे वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे करवा दूँगा, ताकि अगर कुछ ना कुछ तो आप यहाँ से सीखने को मिलेगा ही। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर स्पेशल वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पे आपका कंक्रीट के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंक्रीट जो है ये वाइडली यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे। कंक्रीट जो है ये यूनिफॉर्म मिक्सचर्स होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का, है ना। यहाँ पे आप कह सकते हो कि सीमेंट, एग्रीगेट, एग्रीगेट में भी जो है दो तरीके का एग्रीगेट आएगा, एक कोर्स एग्रीगेट और एक फाइन एग्रीगेट, एंड वाटर का जो है मिक्सचर्स होता है, लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो है मिक्सचर होता है या फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, विच सेड हार्डन एंड एक्वायर स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। द कंक्रीटिंग ऑपरेशन जो है ये कंसिस्ट करता है मेजरिंग द इनग्रेडियंट्स मिक्सिंग्स एंड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन द मोल्ड नोन एज फ्रेमवर्क, है ना। जब कंक्रीटिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो है हम लोग इनग्रेडियंट का मेजरमेंट, मिक्सिंग और किस तरीके से प्लेसिंग करेंगे मोल्ड में कंक्रीट का, उस को जो है हम लोग फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। कॉम्पैक्टिंग अलाउ टू सेट देम देन क्यूरिंग, है ना। कॉम्पैक्ट करते हैं और सेट होता है, जैसे ही सेट होता है तो क्यूरिंग जो है अलाउ किया जाता है। कब? जब हमारा कुछ एक अप्रोप्रिएट पीरियड जो है बीत जाता है, यानी लगभग 28 दिन हो जाते हैं तब। इट कीपिंग इट कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट, मतलब 28 दिन तक हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहें। इफ़ कंक्रीट इज़ गुड क्वालिटी, अगर कंक्रीट जो है गुड क्वालिटी अचीव करना है तो ज़रूरी है हमें कि क्वालिटी कंट्रोल जो है ध्यान रखना। अगर क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रिक्टली पालन नहीं करेंगे, सुपरवाइज नहीं करेंगे, तो हर एक स्टेप जो कंक्रीटिंग ऑपरेशंस का है वो उसमें जो है जो क्वालिटी एक्चुअल जो क्वालिटीज़ मिलनी चाहिए कंक्रीट का, वो एक्चुअल क्वालिटी जो है हमें नहीं मिल पाएगा। बात करें हम लोग फ्रेश कंक्रीट का, तो फ्रेश कंक्रीट क्या होता है, वह कंक्रीट मिक्स जिसमें कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट और वाटर का जो प्रोपोर्शंस होता है वो एक सूटेबल प्रोपोर्शन होता है, उसको जो है फ्रेश कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। हार्डेंड कंक्रीट, हार्डेंड कंक्रीट एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, जो भी मिक्सचर्स हम लोगों ने किया एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, वो धीरे धीरे क्या होता है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है कंक्रीट, है ना। कंक्रीट क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। कब? जब उसको प्लेस कर देते हैं या नॉर्मली बस मिक्स नहीं किए और छोड़ दिए, तो उस कंडीशन में तो वही जो है हमारा हार्डेंड कंक्रीट कहलाता है। यानी जब टाइम पासेस हो जाता है, यानी फ्रेश कंक्रीट में जब टाइम का इंक्लूडिंग हो जाता है, टाइम इंक्लूड हो जाता है, तो उसे जो है हार्डेंड कंक्रीट कहा जाता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बात किया जाए तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है वेरियस इंग्रेडिएंट्स का, कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना प्रोपोर्शन में हम लोग जो है मिलाएंगे। जैसे इसको नाम से जानते हैं M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45,
इस तरीके से जो है अलग अलग नाम से जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसमें एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एम आपका रिप्रेजेंट करता है मिक्स को। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो एम बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम बी से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहा जाता है। लेकिन नॉर्मली एम 20 बात किया जाए तो इसमें एम जो है रिप्रेजेंट करता है मिक्स को। और ये जो 20 जो कि न्यूमेरिकल डाटा है, ये आपका बताता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कि 28 दिन में वो कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है गेन कर लेगा, किस में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है रिकमेंडेड एज़ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS के अनुसार जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंड किया जाता है वो है ऑर्डिनरी कंक्रीट में हम लोग जो है एज़ पर IS 456/2000 के अनुसार जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है उसमें हम लोग जो है M10, M15, M20 जो है लेकर चलते हैं, जिसमें हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम जो 28 दिन में अचीव करेगा वो 10 न्यूटन पर MM² 15 न्यूटन पर MM² 20 न्यूटन पर MM² रिस्पेक्टिवली अचीव करता है। वही स्टैंडर्ड कंक्रीट के तौर पे अगर BIS के अनुसार बात किया जाए तो M25, M30, M35 टू M55 तक जो है लेकर चलते हैं। मेनली जो हम लोग ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो उसमें M32, M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो है यूज करते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है, वह कंक्रीट जिसमें जो स्ट्रेंथ होते हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होते हैं वो मोर देन 55 न्यूटन पर MM² होता है, उसको जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मानते हैं। ये किसके अनुसार, BIS के अनुसार यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये जो है हम लोग डाटा लेकर चलते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिए गए हैं जो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज़ पर IS 456/2000 के अनुसार यहाँ पे जो है वैल्यू दिए गए हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वही देखो जितना रहेगा M50 रहेगा तो M50 होगा, मतलब 50 न्यूटन पर M², वो वैल्यू जो है आपको दिए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वह स्ट्रेंथ होता है किसी भी मटेरियल का जिसमें 5% से ज़्यादा टेस्ट जो है फेल नहीं होने चाहिए। मान लो कि ये हम सैंपल 1 लिए है ना, यहाँ पे सैंपल 2 लिए और यहाँ पे सैंपल 3 लिए, इसी तरीके से डॉट 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 डॉट, मान लो 100 सैंपल जो है हम लोग क्या किए, यहाँ पे 100 सैंपल जो है मैंने लिया, ये जो 100 सैंपल लिया इसमें से 100 सैंपल में से मात्र 5 ही सैंपल वैसा होना चाहिए जो फेल करे। अगर 5% से ज़्यादा सैंपल फेल कर रहा है, मान लो कि सभी का स्ट्रेंथ जो है 20 न्यूटन पर MM² आ रहा है, लेकिन 5 वैसे सैंपल्स हैं जिसका जो है या तो कम आ रहा है या तो ज़्यादा आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा वो तो हम लोग इतना ही लेकर चलेंगे, क्योंकि 5% मैक्सिमम परमिशन लिमिट है कि इससे ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए जो भी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं वो। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का क्या इम्पॉर्टेंस है, कंक्रीट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउटर अनदर मटेरियल ऑफ सच वर्सेटिलिटी एंड मोल्ड एबिलिटी टू सच अ चीप प्राइस, मतलब इतना जितना सस्ता में कंक्रीट जो है एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है उतना सस्ता या कम पैसे में या कह सकते हैं मोल्ड जो है आसानी से नहीं हो पाता है। तो इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है इट हैज़ गोट गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इम्परमेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस ये होता है। दूसरा इट्स वीकनेस इन टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी मेड अप बाई यूज ऑफ रेनफोर्स्ड और प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक एंड दिस हैज़ मेड द यूज ऑफ कंक्रीट वाइड स्प्रेड एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट यूज एवरीवेयर।
लगभग हर जगह पे जो है इसका यूज किया जाता है, और जो वीकनेस होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का कंक्रीट का, उसको रिमूव करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है रेनफोर्समेंट या फिर प्रीकास्ट टेक्निक की मदद से करते हैं। कई बार रिवर्स भी हम लोग जो है कंपोजिट रिवर भी यूज करते हैं। इंडिया में 60% जो है प्लान आउटप्ले करता है अकाउंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ओनली। आउट ऑफ दिस सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट वुड अकाउंट टू मोर देन 50%। सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट 50%, लेकिन कंक्रीट की बारे में बात किया जाए तो कंक्रीट 60% जो है रोल निभाता है। नेसेसिटी ऑफ सुपरविजन्स ऑफ कंक्रीटिंग ऑपरेशन। जब कंक्रीटिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो क्यों सुपरविजन किया जाता है? सुपरविजन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कंक्रीट है उसको अगर प्रॉपरली क्योर नहीं किया जाएगा तो बहुत जल्द हार्ड हो जाएगा और उसका प्लेसमेंट जो है गलत हो जाएगा। जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि एक जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो बना रहे। जो इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहे हैं उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करने के लिए भी जो है हमें सुपरविजन्स की करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ कंक्रीट डज नॉट सेट बिफोर प्लेसिंग इट इन द फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क में प्लेस नहीं करेंगे जब तक कि कंक्रीट प्रॉपर तरीके से सेट ना हो जाए। टू एवॉयड सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग जो प्रोसेस होता है उसको एवॉयड करने के लिए। आगे आने वाले समय में हम लोग सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टू मेक कंक्रीट एज ए गुड फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना, कंक्रीट को जो है गुड फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए भी जो है एक प्रॉपर इंस्पेक्शन सुपरविजन्स करना जरूरी होता है। प्रोसेस ऑफ कंक्रीट के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट किया जाता है इन ग्रेडियंट जो भी कंक्रीट का होता है, जैसे सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स सो डैज वेस्टेज डज नॉट टेक प्लेस। इस अच्छे से जो है उसको स्टोर और हैंडल किया जाता है इंग्रेडिएंट्स का, ताकि उसका वेस्टेज ना हो सके। उसके बाद बैचिंग डैट इज मेजर्ड ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट। कंक्रीट बनाने के लिए बैचिंग किया जाता है, है ना, मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट कितना प्रोपोर्शन में हमें लेना है। उसके बाद जब इंग्रेडिएंट्स को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ले लेते हैं तो उसका मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। कई बार जो है हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे वैसे कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं जहाँ पे जो कंक्रीट होते हैं उसको हम लोग ऑन द साइट बना नहीं पाते हैं। तो ऑन द साइट जब बना नहीं पाते हैं तो कंक्रीट का जो है ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, है ना, ताकि फ्रेश कंक्रीट जो है बन सके। या फिर अगर साइट पे ऑन साइट अगर कंक्रीट बना रहे हैं तो उसके लिए इन ग्रेडियंट्स को जो है प्रॉपर तरीके से एक अच्छे जगह पे स्टोर किया जाता है और हैंडल किया जाता है, ताकि जो है उसका वेस्टेज ना हो सके। उसके बाद जो फ्रेश कंक्रीट हमारा तैयार हो गया उसको जो है हम लोग मोल्ड में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं और फिर कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करते हैं। जब कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर लेते हैं देन कंक्रीट में अगर कोई क्यूरिंग की ज़रूरत है तो क्यूरिंग करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कंक्रीट का इन प्लास्टिक एंड हार्डन स्टेज का। हार्डन स्टेज और प्लास्टिक स्टेज का क्या करते हैं, टेस्टिंग जो है हम लोग करते हैं कि भाई जो भी कंक्रीट का प्लेसमेंट हमने किया क्या वो सही तरीके से प्लेसमेंट किया या नहीं किया। जो कंक्रीट का प्रोसेस है वो यहाँ पे डायग्राम के मदद से यहाँ पे समझाया गया है। आप ये डायग्राम अगर आप एग्ज़ाम में बना देते हैं, ये याद रख लेते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये आपके लिए जो है प्रॉपर बेनिफिशियल जो है आपके लिए होगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, देन स्टोरेज एंड हैंडलिंग, देन बैचिंग, देन मिक्सिंग, देन ट्रांसपोर्टिंग, देन प्लेसिंग, देन कॉम्पैक्टिंग, देन क्यूरिंग, देन फिनिशिंग। तो ये प्रोसेस है जो कि डायग्रामेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। आई होप कि आज का ये सेशंस आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका बेटर हेल्प किया जा सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके का और भी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिल सके। और अगर कोई और स्पेशल वीडियोज़ का अगर आपको ख्वाहिश है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि उन टॉपिक्स पे आपके उस डाउट्स को क्लियर किया जा सके। थैंक यू सो मच।